नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको बताऊंगा पन्ना किन लोगों को पहनना चाहिए, लेकिन इस जानकारी से पहले मेरा आप सबसे निवेदन है, ये आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर दबाएँ, जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की जानकारी मिलती रहे। तो दोस्तों, विषय शुरू करते हैं आज का, पन्ना किन लोगों को पहनना चाहिए, किन लोगों के लिए पन्ना पहनना शुभ परिणाम देता है, फ़ायदेमंद होता है। दोस्तों, किसी भी रत्न को पहनने से पहले, किसी भी स्टोन को पहनने से पहले अपनी कुंडली को किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को दिखा लेना बहुत ज़रूरी होता है, अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा लेना बहुत ही ज़रूरी होता है और उसके बाद ही कोई रत्न पहनना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि गलत रत्न धारण कर लिया और फ़ायदे की जगह नुकसान हो रहा है और बहुत गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो दोस्तों, कुंडली देखने से, जब कुंडली का अच्छी तरीके से विश्लेषण किया जाता है, तब ये डिसाइड किया जाता है कि जातक को कौन से ग्रह शुभ फल देने वाले हैं और कौन से ग्रह अशुभ फल देने वाले हैं। तो जो ग्रह शुभ फल देने वाले हैं उन ग्रहों का रत्न पहनने की सलाह दी जाती है और जो ग्रह अशुभ फल देने वाले हैं उन ग्रहों का रत्न पहनने की सलाह नहीं दी जाती। तो दोस्तों, पन्ने का संबंध बुध ग्रह से है, बुध ग्रह के लिए पन्ना पहना जाता है। जब बुध कुंडली में लग्न का स्वामी हो, पांचवें भाव का स्वामी हो या नौवें भाव का स्वामी होता है और साथ में ही केंद्र में होता है या त्रिकोण में होता है, तब ऐसी कंडीशन में पन्ना पहन सकते हैं। दोस्तों, जब बुध लग्न का स्वामी होता है, पांचवें भाव का स्वामी होता है, नौवें भाव का स्वामी होता है, मतलब भाग्य भाव का स्वामी होता है, तो ऐसी स्थिति में बुध शुभ ग्रह बन जाता है। जब कुंडली में बुध कमज़ोर होता है, निर्बल होता है, तब बुध को बल देने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए पन्ना पहनने की सलाह दी जाती है। दोस्तों, हर लगन के लोगों के लिए पन्ना पहनना सही नहीं होता, सिर्फ ऐसे लगन वाले ही पन्ना पहन सकते हैं जिनका बुध कुंडली में शुभ भावों का स्वामी है और निर्बल है। अब दोस्तों, लगन के अनुसार बात करते हैं कि कौन कौन से लगन के लोग पन्ना पहन सकते हैं, किनको पन्ना पहनना फ़ायदेमंद होता है। सबसे पहले बात करते हैं मिथुन लगन के बारे में। तो दोस्तों, मिथुन लगन में बुध लगन का स्वामी है और चौथे घर का स्वामी है, तो यहाँ बुध बहुत ही शुभ ग्रह बनते हैं, तो मिथुन लगन के जो जातक हैं वो पन्ना पहन सकते हैं। अब बात करते हैं सिंह लगन के बारे में। दोस्तों, सिंह लगन में बुध धन भाव का स्वामी है, मतलब दूसरे घर का स्वामी है, और लाभ भाव का स्वामी है, मतलब ग्यारहवें भाव का स्वामी है। तो धन भाव और लाभ भाव का स्वामी होने की वजह से सिंह लगन में बुध का रत्न पन्ना पहना जा सकता है। अब बात करते हैं कन्या लगन की। कन्या लगन में बुध लगन का स्वामी है और दसवें घर का स्वामी है, तो कन्या लगन में भी बुध बहुत ही शुभ ग्रह बनते हैं, तो कन्या लगन के जातक पन्ना पहन सकते हैं। अब बात करते हैं तुला लगन के बारे में। तुला लगन में बुध नौवें भाव का स्वामी है, मतलब भाग्य भाव का स्वामी है, और साथ में ही बारहवें भाव का स्वामी है, तो तुला लगन के जो जातक हैं पन्ना पहन सकते हैं, क्योंकि भाग्य भाव का स्वामी होने की वजह से बुध बहुत ही शुभ ग्रह बनते हैं। अब बात करते हैं मकर लगन के बारे में।
मकर लग्न में बुध नौवें भाव के स्वामी बने, और मतलब भाग्य भाव के स्वामी बने, और साथ में छठे भाव के स्वामी हैं, तो मकर लग्न के जातक पन्ना पहन सकते हैं। अब बात करते हैं कुंभ लग्न के बारे में। कुंभ लग्न में बुध पांचवें भाव के स्वामी बनते हैं और आठवें भाव के स्वामी बनते हैं, तो कुंभ लग्न वाले भी पन्ना पहन सकते हैं, लेकिन कंडीशन एक ही है कि पन्ना पहनने से पहले अपनी कुंडली को किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से ज़रूर दिखाएं, उसके बाद ही पन्ना धारण करें। दोस्तों, जब भी बुध कुंडली के अंदर छठे भाव में हो, आठवें भाव में हो या बारहवें भाव में हो, तब ऐसी कंडीशन में पन्ना नहीं पहनना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो से आपको एक अच्छी जानकारी मिली होगी। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।